जब हमें जल्दी देगा
ترجمة
علي يا تبع हे माता जी, जब पति देव ही बन जा रहे हैं तो मुझे भी बन जाने की आज्ञा दीजिए। तुम क्यों बन जाओ? हे पुत्री, आखिर तुम क्यों बन जाना चाहती हो? Yeah.
जिस स्त्री का इंसान इस संसार में पति नहीं होता उसका जीना व्यर्थ है। चलने को तुम्हें चल सकती हो, चल सकती हो पर बात आज पर आता है, कह देगी बन बास रहा, माँ कह देगी बन बास रहा। चलो हे नाथ, बिना मैं आपके जीवित नहीं रह सकते, इसलिए मैं वन आपके साथ अवश्य चलूंगी। अच्छा जी, अगर तुम नहीं मान रही हो तो वन जाने के लिए तैयार हो जाओ। माता, अब तो सीता भी बन जाने के लिए तैयार हो गई, बताइए आपकी क्या आज्ञा है। ए पुत्र सुनिए, सीता अति सुकुमारी सुंदर, पुत्र सीता अति सुकुमारी सुंदर, वन में कैसे रही खटरस व्यंजन खाने वाली, भूखन कैसे रही है सास ससुर घर अदियान टारी ने, सास ससुर घर दियान टारी ने, धोनी कैसे जलई है कंद मूल फल खाने बेटा, कंद मूल फल खाने बेटा, कैसे दिवस बीतई है Thank you.
जो सुनते हैं जनक राज जी जो सुनते हैं जनक राज जी धीरज कैसे धरी जो सुनते हैं मात सुने ना जो सुनते हैं मात सुने ना अय अपना प्राण गवई है हे बेटा यदि मात सुने ना और राजा जनक जी को यह संदेश गया तो वो लोग कैसे संतोष करेंगे, इसलिए सीता पुत्री को यहीं पर छोड़कर जाओ। सुनो माता, माता धीर धरो अभिमन से बन से चल निवासी नगर पंचायत नावडेरा सरूपुर के निवासी हैं। आपके कर कदम द्वारा पुनः ज्ञान रोपण का पुरस्कार भाई साहब को खूब सा धन्यवाद। समाचार जब लक्ष्मण पाए
पुरस्कार को बहुत धन्यवाद तुमको कहता हम कहब रघु था और रखी हम भवान की लई हम पाए हे भाई तुम प्रेम के वसीन होकर मेरे साथ वन मत चलो तुम यही रह के माता पिता की सेवा करो कैसा मिठा